वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो से हम लोग आज सीखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने पे फ्यूज कितना रेटिंग का यूज करना चाहिए और थर्मल ओवरलोड रिले का करंट सेटिंग कितने पे होना चाहिए वो कैसे डिसाइडेड होता है एक्चुअली फ्यूज का रेटिंग और थर्मल ओवरलोड रिले का सेटिंग निकालने के लिए ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया जाता है मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के जगह पे अगर हम लोग डी स्टार्टर यूज करते हैं तो ये फार्मूला इजिली फिट बैठता है मोटर के नेम प्लेट पे मोटर का फुल लोड करंट देख लो और यहाँ पे जस्ट पुट कर दो तो इसी से फ्यूज का का रेटिंग और रिले सेटिंग निकल जाएगा लेकिन अगर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं तो फ्यूज कितना रेटिंग का होगा वो डिसाइड करने के लिए लाइन करंट को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में जो ड्यूएल स्टार्टर यूज करने पे भी सेम ही था लेकिन ओवरलोड करंट सेटिंग करने के लिए तुमको फेज करंट यूज करना पड़ेगा दैट इज लाइन करंट डिवाइडेड बाय रूट थ्री अब सवाल आता है ये सिंपल सा लॉजिक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते ही चलो ये भी समझ लेते हैं लॉजिक बहुत ही सिंपल है और उसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी मैक्सिमम केस में देखोगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर फ्यूज नहीं रहता है फ्यूज रहता है जहां से स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर सप्लाई आता है वहां पे स्टार्टर तो मैक्सिमम केस में मोटर जहाँ पे प्लेस्ड है उसी के आसपास रहता है अब तुमको लग सकता है स्टार्टर के अंदर तो ओवरलोड रिले रहता ही है तो फ्यूज का क्या, क्या जरूरत इसका बेसिकली दो रीजन है फर्स्ट रीजन इज ओल्ड इज गोल्ड फ्यूज इज वेरी रिलाएबल ये ओवरलोड रिले धोखा दे सकता है ओवरलोड रिले के अंदर में कुछ मेकानिज्म में गड़बड़ी हो तो फॉल्ट के केस में ये ट्रिप नहीं भी कर सकता है लेकिन इसका ऑपरेटिंग मेकानिज्म बहुत ही आसान है इसके अंदर जस्ट एक सिंपल फिलामेंट है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये मेल्ट आउट हो ही जाएगा इसीलिए तुम्हारे घर में भी देखोगे एम सी बी कुछ भी यूज कर लो लेकिन जहाँ पे मेन स्विच बॉक्स है उसमें फ्यूज जरूर रहता है दूसरा रीजन है ये ओवरलोड रिले शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है अगर मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत ये सिस्टम ट्रिप करना चाहिए जो ये ओवरलोड रिले के थ्रू पॉसिबल नहीं है शॉर्ट सर्किट में काम में आता है ये फ्यूज ही जो भी हो वापस इस टॉपिक के कॉन्सेंट्रेट करो रिले का सेटिंग फेस करंट पे क्यों है और इसका लाइन करंट पे क्यों है तो अब देखो ये टोटल सिस्टम को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्यूज के थ्रू स्टार डेल्टा बॉक्स में पावर आया उसके थ्रू मोटर में अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेकेनिज्म तो तुमको पता ही होगा तीन कॉन्टेक्टर रहता है और इस मोटर के अंदर देखोगे तीन फेज के लिए तीन वाइंडिंग रहता है अब स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्चुअली करता क्या है जैसे ही तुम मोटर में ऑन कमांड दोगे मोटर को स्टार्टिंग पीरियड के लिए स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ऑन करता है जिससे मोटर में कम वोल्टेज अप्लाई होता है और स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होता है अब जब धीरे धीरे मोटर का स्पीड बढ़ते हुए फुल स्पीड के आसपास पहुंच जाता है तब ये स्टार कॉन्टेक्टर डिस्कनेक्टेड हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर कनेक्टेड हो जाता है जिससे मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलने लगता है अब यहाँ पे हम लोगों को क्या डिसाइड करना है इस ओवरलोड रिले का सेटिंग और इस फ्यूज का रेटिंग कितना होना चाहिए इसके लिए सोचो कौन सा कनेक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे हम लोग स्टार कॉन्फिगरेशन को कंसिडर ना करके डेल्टा कॉन्फिगरेशन को कंसिडर करेंगे क्योंकि स्टार कॉन्फिगरेशन में मोटर के एक्रॉस ऐसे ही कम वोल्टेज अप्लाई होता है जिससे करंट तो कम ही रहता है ज्यादा करंट फ्लो करता है जब मोटर डेल्टा कनेक्टेड होता है अब इस फ्यूज का वैल्यू अगर कम करंट पे हम लोग सेट करते हैं स्टार कनेक्शन को देखते हुए तब डेल्टा कनेक्शन में जब मोटर चलना शुरू करेगा फ्यूज मेल डाउन हो जाएगा जिससे ये सिस्टम काम नहीं कर पाएगा तो हम लोगों को कंसिडर करना है ये डेल्टा कॉन्फिगरेशन पहले चलो डिसाइड करते हैं ओवरलोड रिले का सेटिंग कैसे करना है देखो ये ओवरलोड रिले एक्चुअली पे प्लेस्ड है ये डेल्टा लूप में जैसे ही मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलता है ये कॉन्ट्रक्टर ऑन हो जाता है और ये कॉन्ट्रक्टर ऑन हो जाता है तो देखो ये ओवरलोड रिले इस डेल्टा सर्किट का पार्ट है चलो इसको और थोड़ा अच्छे से समझो ये तीन है मोटर के तीन वाइंडिंग और ओवरलोड रिले देखो यू वन वी वन और डब्ल्यू वन के आगे कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो ओवरलोड रिले का पोजीशन है ये तीनों पोजीशन है अभी इस ओवरलोड रिले का काम क्या है यह कंटिन्यूसली देखता रहता है मोटर के थ्रू ज्यादा करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है और इस ओवरलोड रिले का पोजीशन इस डेल्टा लूप के अंदर होने से इसके थ्रू क्या करंट फ्लो करेगा फेस करंट लेकिन फ्यूज का तुम पोजीशन देखो फ्यूज का पोजीशन इस डेल्टा लूप से बाहर है ये तीनों फ्यूज कैसे कनेक्टेड है यहाँ से यू वन वन और डब्ल्यू के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ से यू वन और डब्ल्यू से कनेक्टेड है तो इस ओवरलोड रिले के थ्रू तो फेस करंट फ्लो करता है लेकिन इस फ्यूज के थ्रू कौन सा करंट फ्लो करेगा वो है लाइन करंट और ये तो तुमको तो पता ही है लाइन ज्यादा होता है बिकॉज आई एल इक्वल्स टू रूट थ्री इन टू आई फेस अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्यूज और ओवरलोड रिले का सेटिंग क्या होना चाहिए मान लो मोटर के नेम प्लेट में स्पेसिफाइड करंट रेटिंग है सिक्स एम्स जो लाइन करंट है किसी भी मोटर के नेम प्लेट में जो वोल्टेज और करंट स्पेसिफाइड होगा हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं फ्यूज रेटिंग निकालने के लिए हम लोगों को फुल लोड लाइन करंट यूज करना पड़ेगा और ओवरलोड सेटिंग के लिए फुल लोड फेस करंट यूज करना है तो यहाँ पे लाइन करंट सिक्स पुट कर दो तो इसका वैल्यू आ गया नाइन और 9 एम्स का फ्यूज तो अवेलेबल नहीं होता है उसका जस्ट ऊपर वाला रेटिंग का अवेलेबल फ्यूज तुमको लगाना है जो है 10 एम्स अब चलो ओवर रिले का सेटिंग डिसाइड करते हैं तो इसके लिए हम लोग फेस करंट यूज करेंगे Into जो आ गया amps. So, overload relay का सेटिंग को और और के बीच में रख दो. So, इस तरीके से तुमको का current को सेट करना है लेकिन अगर हम लोग स्टार डेल्टा यूज ना करके अगर डीएल स्टार्टर यूज करते तो देखो फ्यूज का रेटिंग तो सेम ही होता लेकिन डीएल स्टार्टर के अंदर जो ओवरलोड रिले रहता है उसका सेटिंग में चेंज आ जाता यहाँ पे इस एफ जो फुल लोड करंट है वहां पे ये लाइन करंट ही पुट करना है ना कि ये फेस करंट क्योंकि डीओ स्टार्टर में जो ओवरलोड रिले रहता है उसके थ्रू लाइन करंट ही फ्लो करता है आई होप ये कॉन्सेप्ट अब तुम नहीं भूलोगे अब मेरा सजेशन रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगा अगर मान लो इस ओवरलोड रिले को हम लोग यहां से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं तब इस थर्मल ओवरलोड रिले का सेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा फेस करेंट ना लाइन करेंट सोचो और कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आंसर जरूर बताना दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में